हेलो गाइस, कैसे हैं आप। मैं संगीता, आज मेरे किचन में आप लोगों का स्वागत है। मैं आपको खस्ता कचौड़ी बनाना बताऊंगी कैसे बनाई जाती है। हम मूंग की दाल से बनाएंगे, चलिए हम आपको बताते हैं। हम लीजिए एक किलो मैदा ली है, हम लीजिए एक किलो मैदा ली थी और इसमें हम नमक डालेंगे और अब इसमें हम 50 ग्राम तेल डालेंगे। तेल हमें गर्म करके डालना है और अब इसमें हम थोड़ा सा घी भी डालेंगे। अब इसको हम गर्म पानी से मांडेंगे और आटे की तरह हमें इसे मांडना है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप। अब हम आपको, हमने ये मूंग की दाल ली थी पीली वाली, इसको हमने गर्म पानी में वॉश कर रखा था और ये हमने अच्छी तरह से धो ली है। और अब इसमें हम थोड़ी सी अपनी, इसमें हम 2 चम्मच बेसन डालेंगे और कस्तूरी मेथी डालेंगे, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच हम सौंफ डालेंगे इसके अंदर और थोड़ी सी हम इसमें हींग डालेंगे और 1/2 चम्मच गरम मसाला, नमक स्वाद अनुसार और ये हमने 1/2 चम्मच खाना सोडा डालेंगे इसमें। अब इसको हम सबको मिक्स कर देंगे। गाइस, इसको हमने बड़े बर्तन में निकाल के सबको मिक्स कर दिया था और इसकी हम खस्ता कचौड़ी बनाएंगे, बिल्कुल जैसे बाज़ार में मिलती है ना, बिल्कुल ऐसी ही बनाएंगे हम, आपको दिखाएंगे। और गाइस, हमने ये मैदा लगाया था और मैदा लगा के ना पतला सा करके हमने पन्नी में रख दिया था, इसको अपने आप ये सॉफ्ट हो जाएगा और टाइट लगेगा। गाइस, अब इसे हम पन्नी में से निकाल लेते हैं और इसको हम अब इसकी हम लोई बनाएंगे और इसको हम ऐसे करके ऐसे करेंगे इसमें और हमने जो अपना मसाला बनाया था दाल वाला, इसको इसमें हम डाल देंगे। ये देखो गाइस, हमारी कचौड़ी एकदम तैयार है। ऐसी हम आपको दूसरी बना के दिखाएंगे। देखो, हमने पेड़ी बना ली है। अब हमारा तेल भी गर्म हो चुका है ऑयल, अब इनमें हम इनको डाल देंगे। गाइस, देखो हमारी कचौड़ी एकदम तैयार है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और शेयर करना। हमारी दाल की कचौड़ी कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताना। ये देखो गाइस, हमारी कचौड़ी एकदम तैयार है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और शेयर करना। कमेंट में हमें ज़रूर बताना हमारी कचौड़ी आपको कैसी लगी। बिल्कुल एकदम खस्ता बनाई है हमने।